अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद शाज़ी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रमजान में या आप इसे ईद में भी बना के सर्व कर सकते हैं स्वीट डिश चॉकलेट ट्रफल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने ये चॉकलेट केक लिया है और इसे हमने किया था 16 मफिन था मेरे पास, तो आप चॉकलेट केक का भी बना सकते हैं। इसे बनाने खोल कर इस तरह से और बिल्कुल इसको चूर देना। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से इसे क्रश कर दिया है, देखिए बिल्कुल मिला लें। तो ये आपके पास चॉकलेट केक है घर में बना हुआ या आप बाजार से लेकर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इसको दमकरे में मिक्स कर ले। तो ये मिक्स हो गया है और इसके लिए हमने क्रीम लिया है जो 500 ml है, 500 ml है हमने वो लिया है। थोड़ा सा हमने ये कैडबरी चॉकलेट लिया है और ये हमने डेकोरेट करना है, तो आप किसी तरह का भी चॉकलेट आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा फल है, हमने रसबेरी लिया है, आप कोई भी इसमें फल यूज कर सकते हैं। और 2 teaspoon शुगर लिया है, ये हमने क्रीम इसमें डाल दिया है बॉल में, के बाद इसमें शुगर जो है 2 teaspoon, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें वरना आप कम कर लें। ब्लेंड करते हैं, थोड़ा थिक बनाना है इसे। देखिए इस तरह से हमने तैयार किया, बहुत ज्यादा इसे गढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा देखिए इस तरह से करेंगे, हल्का रनी होना चाहिए कि फिर ये इसे जब हम केक में डालेंगे ना तो ये अब्सॉर्ब करेगा और फ्रिज में जब रहेगा तो ये अच्छी तरह से ये सेट भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। तो ये हमने जो केक को बिल्कुल बारीक कर लिया था ना, तो इसे इस पे डालना है। पहले डालें, देखिए इस तरह से डालें और इसे सेट करते जाएं, इस तरह से डाल के सेट करना। आप कितना थिक रखना है आपके ऊपर है, ये केक को इस तरह से आप डाल के, आप इसमें चाहें तो क्रीम में आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये ऊपर से रखा है मगर आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर चाहें, आप पसंद है तो आप। तो देखिए इस तरह से और टाइट हल्का कर लें कि ये सेट हो जाए। और ये जो क्रीम हमने बनाया है ना, देखिए इसीलिए हमने बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं किया है, इसे बहुत थिक नहीं किया है। तो ये क्रीम इस पे डालना है, इस तरह से क्रीम इस पे डालें, ये अंदर अंदर जब जाएगा इतना वो टेस्टी होता है, बहुत ही मजेदार। तो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा, आप बनाएं और बहुत ही जल्दी बनता है, इसीलिए हमने कहा था बहुत ज्यादा थिक नहीं करिएगा। ये बहुत अच्छा, जब अंदर में ये जाएगा केक के अंदर ये हल्का हल्का अब्सॉर्ब कर लेगा, तो वो बहुत टेस्टी होगा। जहाँ कम है वहाँ फिर दोबारा और डाल, ये इसको बुरा बराबर कर लें। फिर ये हमने कैडबरी रखा है तो आप इसे या तो ऐसे ही काट के डाल दें और नहीं तो इसे हल्का सा इस तरह से कर। जहाँ जहाँ पे कम है वहाँ पे आप डाल, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली चीज़ है और बहुत जल्दी बनती है, बहुत ही। इसमें कुकिंग का कोई, आपको कुकिंग नहीं करना है, जस्ट इसमें असेंबल करना है एक सबको एक साथ। देखिए हमने सब डाल दिया है जितना भी था यहाँ पे, अभी फिर दूसरा लेयर लगाएंगे। ये एक लेयर हो गया, अब इस पर ही दोबारा फिर इस तरह से डालेंगे और स्लो आहिस्ता आहिस्ता इसे सेट करते जाइए, ये स्लोली आहिस्ते से, ज़्यादा तेज नहीं क्योंकि अंदर में इसके ऑलरेडी क्रीम है, तो आहिस्ता आहिस्ता दबा दबा के इसे। अब ये फिर क्रीम जो बचा हुआ है ये वाला, ये डालना है। इसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ से करिएगा क्योंकि ये केक इसमें जो है क्रश किया हुआ है तो वो फिर हिल जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करिएगा। और इसीलिए हमने ज्यादा क्रीम को गाढ़ा नहीं, वो नहीं थिक की नहीं किया। अब इस पे हम डेकोरेशन देते हैं, ये फिर इसके ऊपर देखिए इस तरह से आप डालते हैं। आप चाहें तो बहुत आप वो ये भी डाल सकते हैं, इसमें फल भी डाल सकते हैं। हम फल डालेंगे मगर हम थोड़ा ज़्यादा फल नहीं डालेंगे, बच्चे बहुत पसंद करेंगे, ये बच्चों की फेवरेट डिश। अब इस पर आप किसी तरह का भी चॉकलेट, या देखिए हमने इसमें इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल 5 to 5 minutes में बनता है, ये 5 to 10 minutes में बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है, आप इसे सर्व करें। आज हम आप तारीफ पे आए हुए हैं अपनी दोस्त के यहाँ, ये भी मेरी दोस्त है। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। Thank you.
उसी को मैंने जो मीठा बनाया था हमने चॉकलेट ट्रैफल, उसको यहाँ लेकर आए हैं। ख्याल जब सर्व होगा वो भी हम उसको दिखाएंगे आप लोगों को, तो इंशाल्लाह ताला। ओके, दिस इज द मार्शा एंड ऑल माय फ्रेंड्स केम टू अफ्तारी एंड थैंक यू सो मच आजिया फॉर कमिंग। हां, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, वी लव टू हैव अफ्तारी टुगेदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखें, गरम गरम पकौड़े तला रहे हैं, तैयार है। ये बनाया था ये मीठा, ये मेरी दोस्त है सारिया, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी माशाल्लाह। तो थैंक यू शाजिया, थैंक यू सो मच, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ इसके बारे में। डिलीशियस, चलो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मेमुना, हम लोग बहुत इंजॉय किया। नो वरी शाजिया, एनी टाइम। चलिए फिर इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बना के दिखाते हैं इंशाल्लाह, होपफुली आप लोगों को ये पसंद आए रेसिपी एंड व्लॉग। तो ये चॉकलेट ट्रैफल रेडी हो गया है, आप लोग बनाएं, बहुत ही आसान है। इसे 4 से 5 घंटा फ्रिज में रख दें और ये सेट हो जाएगा, उसके बाद ठंडा ठंडा आप सर्व करें, आपके मेहमान बहुत तारीफ करेंगे। और बहुत ही इजी है, आपने देखा इसे बनाते हुए। प्लीज आप बताएं कि ये आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दुआओं में याद रखेंगे, फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।